नमस्कार। शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कमरख के फायदे क्या हैं। जी हाँ, कमरख एक ऐसा फल है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं और उसके फ्रूट्स के बारे में, इसकी इसकी जो इसके गुण जो हैं उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे अंग्रेजी में लोग इसको स्टार फ्रूट्स कहते हैं। जी हाँ, स्टार्स की तरह बना होता है। कमरख के पेड़ फूल छोटे सफेद और बैंगनी रंग के होते हैं। इसका कच्चा फल प्रयोग में लाया जाता है और आप ये मान के चलिए कि इसको खट्टे और मीठे स्वाद का होता है ये, और इसके फलों का उपयोग हम चटनी में, अचार में, शरबत में, मुरब्बे में, कई तरह की चीजों में करते हैं। इसके गुण क्या हैं? इसके गुण ये हैं कि अगर आप कमरख का सेवन करने से गर्मियों में चलने वाली लू जो है, लू में आपको कमरख का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में ताजगी रहती है, शक्ति को बढ़ाता है। गर्मियों में ये शरीर को ठंडक पहुंचाता है और बार बार आपको प्यास नहीं लगती है। ये गर्मी में होने वाले बुखार को सही करता है। कमरख का जूस सेवन से आपकी भूख बढ़ती है और गर्मियों में कमरख की चटनी और अचार खाना बहुत फायदेमंद है शरीर के लिए। और कमरख का जूस, अगर किसी को शराब का नशा चढ़ा हुआ है तो कमरख का ताजा रस और शरबत उसके लिए बहुत फायदेमंद है। और अगर कपड़े पर, जी हाँ, कपड़े पर लगे दाग को हटाने के लिए कमरख का प्रयोग कर सकते हैं। दाग वाली जगह पर आप कमरख से रगड़कर कुछ समय बाद पानी से धो दीजिए, वहां का वो दाग जो है साफ हो जाएगा। और कमरख के जो पत्ते हैं वो खट्टे होते हैं, लेकिन ये शारीरिक जलन को दूर करते हैं। कमर के हल्की डंडी और पत्तों को पीसकर, जी हाँ, कमरख के हल्की डंडी और उसके पत्तों को अगर आप पीस कर दाद खाज और खुजली वाले स्थान पर अगर आप लगाते हैं तो उससे भी आपके शरीर को बहुत फायदा मिलता है। कमरख में विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर है, बहुत से पोषक तत्व हैं इसके अंदर। ये आपकी बालों की वृद्धि के लिए, आपके बालों को गिरने से बचाता है, आपके शरीर के अंदर जो संक्रमण है उसको दूर करता है, तो कितना फायदेमंद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके ब्लड को साफ करता है, आपके चेहरे पर जो मुहासे आते हैं उनको दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल की बीमारियों से बचाता है और इवन वजन कम करके दस्त, रक्त प्रदर, बवासीर, अपच, पेशिच में भी कमरख बहुत फायदेमंद है। जी हाँ, लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज के बहुत फायदे होते हैं लेकिन उसका कुछ नुकसान भी होता है। बहुत अधिक और कच्चे कमरख का सेवन ज्यादा करने से आपकी छाती में दर्द और बुखार हो सकता है, और गर्भवती महिला बिल्कुल कमरख का सेवन ना करें। पथरी किडनी और गुर्दे के रोगी को भी कमरख खाने से बचना चाहिए। तो हमने आज आपको बताया कि किस तरीके से कमरख आपके लिए फायदेमंद है, आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। आप चाहें उसका उपयोग करें। और अगर आप ये कहिए कि आप अगर उसका उपयोग करने से पहले अगर अपने चिकित्सक से परामर्श भी लेते हैं तो हमें उसमें भी कोई एतराज नहीं है। आप बिल्कुल उनसे परामर्श लेने के बाद ले सकते हैं। एक फ्रूट है बहुत बढ़िया जो फायदेमंद है, गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, अक्सर बाजार में मिल जाता है रेड़ी के ऊपर बेचते हुए। तो आज हमने आपको जानकारी दी कि कमरख के क्या फायदे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लाइक्स, आपके शेयर और आपकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बस अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।